हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल टेक्निकल सपोर्ट 10 प्रो का स्वागत है। देखिए वाइट पोर्ट वाला जो SMPS आया है और बहुत ही तगड़ा SMPS है, बहुत ही अच्छा वाला SMPS है। और SMPS का देखिए कौन सा कंपनी का, देखिए प्रॉब्लम ज़्यादा के ज़्यादा नहीं होता। देखिए HCL का ये है, ठीक है, HCL ब्रांड का है। देखिए इनपुट इतना है, DC आउटपुट देखिए कितना एम्पीयर, जो सब कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलिए इसको हम पहले कनेक्ट में डाल देता हूँ, देखता हूँ स्विच वगैरह ठीक है कि नहीं। ठीक ही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। चलिए पहले हम इसको कनेक्ट में डाल देता हूँ। स्विच लाइट तो जल गया, जलने के बाद इसको हम ये वाला ग्रीन और जो ब्लैक है वो हम शॉर्ट करेंगे। देखिए हमने शॉर्ट किया परंतु ये फैन नहीं चला है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसका जो अंदर देखिए इसका स्क्रू वगैरह देखिए किधर किधर है। चलो पहले इसको खोल लेता हूँ दोनों स्क्रू को, ठीक है। बहुत ही अच्छा वाला है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता ये वाला SMPS, ठीक है। मैं यूट्यूब चैनल जब नहीं था तब हमने किया था 2-3, ठीक है। अभी तो चैनल बनाने के बाद फर्स्ट टाइम आया है। चलिए हमने चार स्क्रू खोल दिया और इसको खोलेंगे इसे पेश करके, ठीक है। अच्छा देखिए हमने खोल दिया। देख खोलने के बाद एक कैपेसिटर देखिए, कैपेसिटर थोड़ा सा फूल गया शायद, समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, इसका जो अंदर वायर है इसको काट के देता हूँ, नहीं तो फैन दिमाग ख़राब कर देगा। चलिए और फैन का भी देखिए ना, डायरेक्ट लगा के रखा है, ये वाला बहुत ही ख़राब किया है, ठीक है। चलिए अभी हम इसका अंदर जो वगैरह है उसको भी हम खोलेंगे, ठीक है। खोल के डायरेक्ट चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। मैं तो डायग्राम फॉलो नहीं करता हूँ, डायरेक्ट काम करता हूँ। इसका देखिए स्क्रू कहाँ कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ भी इधर एक, ठीक है। चलिए इसको दोनों को हमने खोल दिया, खोलने के बाद इसे बाहर निकालेंगे, निकल जाएगा। उसके बाद ये वाला बेल्ट है जो, इसको भी काटना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने काट दिया, काटने के बाद इसको बाहर निकालेंगे। देखिए बाहर निकल रहा है, और देखिए हमने कान पे लगाया था ना, इसलिए वो जो बड़ा वाला कैपेसिटर है वो चार्ज होके रखा है शायद, ठीक है। क्या करेंगे उसको, पहले डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज करने के लिए आप तो वो लैंप यूज़ कीजिएगा, 60 वाट का, नहीं तो आपका 100 वाट का जो लैंप होता है वो तार में लगा के कर सकते हैं। मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, पहले था अभी तो नहीं है, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। देखिए इसको शॉर्ट करने के भी ये चार्ज नहीं हुआ, मतलब करंट यहाँ तक नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, ये फैन तो दिमाग ख़राब कर देगा। अभी हम बेसिक चीज़ इधर यहाँ से ढूंढेंगे जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। पहले ढूंढ लेता हूँ। देखिए जब भी ब्रांडेड SMPS आप रिपेयर करेंगे तो बेसिक चीज़ हो देखा जाएगा जो फटा हुआ जला हुआ कुछ है कि नहीं, ठीक है। देखिए कुछ फटा हुआ जला हुआ है कि नहीं वो पहले आपको देखना है, कोई भी हो, बेसिक हो, नॉर्मल हो, जो भी हो, ब्रांडेड हो, सब कुछ आपको पहले वो देखना है, चेक करके जो फटा हुआ जला हुआ है कि नहीं। उसका बाद देखिए ब्रांडेड चेक करने के लिए उसका बाद जो देखना है वो वाला देखना है डायोड, ठीक है। ये तो आप देखेंगे, पहले देखना है बड़ा वाला डायोड ब्रांडेड जब भी आप काम करेंगे तब,
देखना है बड़ा वाला डायोड किधर है, शायद ए वाला डायोड है। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ए वाला, चलिए इसको हम पहले चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने बजर मूज में रख के इसको पहले चेक कर लेता हूँ। देखिए ये भी डायोड है, देखिए भालू, देखिए डायोड है, बड़ा वाला डायोड है, डायोड ए वाला डायोड, ठीक है। ज़्यादा का ज़्यादा बैंडेड का जो प्रॉब्लम होता है वो डायोड का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए ये तो हमने देख लिया, मतलब ओके है, और कुछ है क्या नहीं देख लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे आपका जनरल जो प्रॉब्लम आता है फिर उससे लेकर आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाएंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया काम, उसके बाद ए वाला देखिए फ्यूज़, फ्यूज़ का हम अभी देखेंगे। देखिए ए वाला वीडियो तो बहुत बढ़िया होगा, बड़ा होगा, तो फुल वीडियो देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। देखिए फ्यूज़ आपका ओके है, ठीक है। फ्यूज़ के लेकर देखिए एक कॉयल होकर ये ब्रिज में आया है, इधर ब्रिज है, देखिए दिखाई दे ना ये बिला ब्रिज। तो चलिए कॉयल चेक कर लेता हूँ, फ्यूज़ का आ गया, ये वाला फ्यूज़ है। चलिए इधर से कॉयल से लेकर इधर से लेकर, चलिए इधर से लेकर ये डायोड में आया है, इधर से लेकर ये डायोड में आया है, इधर से लेकर चलते चलते, ठीक है, इधर में आया है, इधर से लेकर इधर आया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ देखता हूँ, इधर मतलब इधर तो ट्रैक ठीक है, उसके बाद आउटपुट में देखता हूँ। चलिए आउटपुट में कुछ है, इधर कुछ है, तीन लीड का, वो भी चेक कर लेता हूँ। ये आईसी, शायद आईसी होगा, ये तीन लीड का है, ठीक है। और इधर एक तीन लीड का है, इधर एक दो है, और अभी हम चेक करेंगे कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, देखिए, ठीक है, मतलब कैपेसिटर तक तो ठीक है, परंतु तो आपका वोल्टेज यहाँ तक नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये देखिए ट्रैक का शॉर्ट है, शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट होगा तो देखिए मीटर में 0 0 दिखेगा, 1 दिखेगा, देखिए 1670 देख रहे, मतलब ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। ये ट्रैक का सब डायग्राम देखना, इतना डायग्राम आपका याद नहीं रहेगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम भी डायग्राम यूज़ नहीं करते। चलिए अब तक तो यहाँ तक तो ठीक ही है, इसके बाद चलिए आउटपुट में चलते हैं। आउटपुट में देखिए ये आपका डुअल डॉट 1 2 3, ये डुअल डॉट सबका डुअल डॉट रहता है, तो दोनों तरफ एक ही दिखेगा, मिडिल में देखिए नहीं दिखेगा, ठीक है, इधर भी मिडिल में नहीं दिखेगा, इधर तो सब कुछ दिखाना चाहिए, तो फिर भी ये नहीं दिखा रहा है, डायग्राम अलग अलग सा है, कोई बात नहीं, ये तक तो ठीक ही है। उसके बाद देखते हैं दूसरा कुछ है क्या नहीं, डायोड वगैरह भी ठीक है, इधर एक इसको देख लेता हूँ, सब कुछ तो ठीक ही नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इतना तक तो चेक कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डायोड है, चलिए उसको भी चेक कर लेता हूँ, सबको जब चेक कर लिया उसको भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कहाँ तक आया है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कुछ भी दिखाए, ये वाला इधर से ना, कौन सा, हाँ इधर से लेकर इधर, चलिए ये वाला है, सेटअप लगाएंगे, ठीक ही है। चलिए अब तक तो ठीक ही मिल गया, इसका फैन ख़राब है क्या, नहीं फैन भी ख़राब नहीं है, फिर से इसको कान पे लगा के देखता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब तक तो सेटअप का
देखिए ये वाला जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कभी कभी फ्यूज़ भी ख़राब हो सकता है। फ्यूज़ ठीक है, ठीक ही तो नज़र आ रहा है। केबिल वगैरह भी देख लेता हूँ, केबिल वगैरह ठीक है कि नहीं। ये तो खामा का इतना टाइम वेस्ट करना क्या है, ठीक है। ये वाला जो है एपीएस है, यही ट्रिगर करेगा आपका एसएमपीएस को और ऑन करेगा, ठीक है। वो वाला नहीं है, गलत बोल दिया, किधर गया कलर, ये वाला देखिए। एपीएस है ए वाला, देखिए एसएक्स ए वाला जो है -12 वोल्ट है। पीएस तो यही दिखा रहा है, हाँ यही होगा, ब्रांडेड है ना, इसलिए कलर कुछ ज़्यादा ही कम ज़्यादा दिखाता है। चलिए कोई बात नहीं, पीएस जो है वही ट्रिगर करेगा आपका एसएमपीएस को, ठीक है। चलिए हम पावर ला के देखता हूँ फिर से। आपका एसएमपीएस का जो आपका सीरीज लाइन में लगाया वो तो ठीक ही नज़र आ रहा है, ठीक है। वो तो आपका देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी ऑन हो गया। सब खोल के रखा था, चलिए बिल्कुल रख के दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खोल के क्या किया मालूम नहीं हमको। देखिए ये आपका ऑन हो गया, कोई तार वगैरह कुछ शॉर्ट होगा इसलिए ये घूम नहीं रहा था। कभी कभी ऐसा होता है, खोलने से हो जाता है। चलिए हमने शॉर्ट करके रखा, अभी हम वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, चलिए इसको हम साइड में रख देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको इधर रखता हूँ तो आपको दिखाई देगा, और साइड में देखिए अभी वोल्टेज चेक करो, 5 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसके बाद 12 वोल्ट भी है, देखिए 12.86, ठीक है। अभी -12 दिखा रहा हूँ, देखिए -12, ठीक है। अभी देखिए 3.3 वोल्ट, 3.56, सब कुछ तो ठीक ही नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम पहले तो डेड हुआ था, खुला तो ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, सॉल्व आउट हो गया तो हो गया। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, जब आपको हेल्प होगा तब, पहले नहीं करना। थैंक यू।